इंश्योरेंस कंपनी अपना अपना रेवेन्यू अकाउंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो आज हम लोग उसी पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर्म एफ, फॉर्म ऑफ रेवेन्यू अकाउंट एप्लीकेशन टू फायर इंश्योरेंस बिजनेस एंड मैरिन इंश्योरेंस बिजनेस एंड 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 मिसेलिनस इंश्योरेंस बिजनेस। अब इसमें जो है यहाँ पे हम जो लिखे हैं रेवेन्यू अकाउंट, तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या आ जाएगा, तो ये टोटल जो आपको चार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फॉर्मेट ये आपका हो गया यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट का फॉर द ईयर एंडेड में, जैसे कि 20, आप यहाँ पे डेट कोई सा भी मेंशन कर सकते हैं, जो आपका फिनेंशियल ईयर है, जिस फिनेंशियल ईयर में बनाए बना जाएगा वो वाला यहाँ पे फिनेंशियल ईयर मेंशन करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश बिजनेस, बिजनेस में यहाँ पे उनका नाम हम लिखेंगे, पुटअप करेंगे यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी की है उनका। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट रेवेन्यू अकाउंट का, रेवेन्यू अकाउंट का ये फॉर्मेट हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसमें टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। आपका इधर हो गया डेबिट साइड और इधर हो गया आपका क्रेडिट साइड, इधर डेबिट साइड, इधर क्रेडिट साइड, इधर डेबिट साइड। इसमें दो साइड है, एक हो गया आपका क्रेडिट साइड और हो गया यहाँ पे डेबिट साइड। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डेबिट साइड में कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट का जो प्रिपरेशन किया जाता है उसमें डेबिट साइड में कौन सा आइटम का लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम को इनपुट किया जाता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में कौन सा आइटम को इनपुट किया जाता है। देखिए इसमें पहला जो इसमें आ जाता है क्लेम अंडर पॉलिसीज, जी हाँ, अगर पॉलिसीज के अंदर अगर कोई क्लेम किया गया तो उसको यहाँ पे इनपुट करेंगे। उसके बाद आता है इसमें से लेस करते हैं अमाउंट को, लेस क्या करते हैं, री इंश्योरेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, जी हाँ, ड्यूरिंग द ईयर में अगर ये कंपनी अपना अपना जो री इंश्योरेंस का जो पेमेंट किया है वो इनमें से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा तब वो जा करके फाइनली इसमें कॉलम में लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं टोटल एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम। यहाँ पे ये OS शॉर्ट नाम हुआ, उसका फुल फॉर्म होता है आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग क्लेम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, जी हाँ, एंड ऑफ द ईयर में जो जो लाइबिलिटीज है, जो आउटस्टैंडिंग है वो लिखा जाता है, वेदर ड्यू और इंटीमेटेड टोटल, अगर टोटल है तो, और अगर इनमें से हम लेस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का यहाँ पे मीनिंग आता है कि पिछले फिनेंशियल ईयर से, ठीक ना, तो प्रीवियस ईयर में अगर कोई आउटस्टैंडिंग उनमें से हम क्या करते हैं लेस कर देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस आता है वो यहाँ पे इनपुट करते हैं, ये हुआ अमाउंट का कॉलम। ओके तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूसरा में है कमीशन, डेबिट साइड में कमीशन को भी लिखा जाता है इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग। इंश्योरेंस कमीशन किस पे, कमीशन तीन चीज पे, देखो देखा जाए तो पहला इसमें आता है ऑन डायरेक्ट बिजनेस, ऑन डायरेक्ट बिजनेस पे जो कमीशन जो दिया गया है उनको यहाँ पे कमीशन में लिखा जाता है, और दूसरा इसमें जाता है ऑन री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस कराने में जो कमीशन पेमेंट किया जाता है वो यहाँ पे दिया जाता है, फिर इसमें आता है ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड एक्चुअल में कितना किया गया उस पर जो कमीशन दिया जाता है वो यहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है रेवेन्यू अकाउंट के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर आपका हो गया यहाँ पे, तीसरा नंबर हो गया आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। इंश्योरेंस कंपनी को मैनेजमेंट करने में बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जी हाँ, ये बात आपको ही पता है, कोई भी कार्य को अच्छा से मैनेजमेंट करने में उसमें बहुत लॉट्स ऑफ खर्च होते हैं, उसमें बहुत सारे खर्च होते हैं, तो वो जो खर्च होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को मैं खासतौर पर मैनेजमेंट करने में वो एक्सपेंस को यहाँ पे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाता है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स होता है क्या कि जो सन्डी डेटर जो होते हैं यहाँ पे, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी को जिनसे पैसा आने वाला होता है सन्डी डेटर से, तो होता क्या है कि वो उसमें से कुछ पार्टी जो है ना पेमेंट करने में असक्षम होता है, वो एक तरह से दिवालिया हो जाता है, तो वो अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी को बेहतर तरीके से मतलब कि बेहतर तरीके से वहाँ पे रिकवरी नहीं हो पाता है, तो जिनके कारण उनका क्या होता है लॉस्ट हो जाता है उसी को लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं, यानी कि डेटर में से कुछ अमाउंट नहीं अगर रिकवरी हुआ तो वहाँ पे बैड डेब्ट्स कहते हैं, बैड डेब्ट्स है तो उनकी लॉस है, जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी लॉस है, आप भी जानते हैं अगर आप ही को कोई पैसा देने वाला था लेकिन वो पार्टी नहीं दिया, कहीं गुम हो गया तो आपका वो लॉस होता है, उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी का भी होता है, बहुत सारा इसका भी होता है, तो ये आ गया यहाँ पे बैड डेब्ट्स भी आपका लॉस हो गया, इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड में देते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाता है टैक्सेस, टैक्सेस
टैक्स, जी हाँ गवर्नमेंट को इनको टैक्स भी पेमेंट करना पड़ता, बहुत सारे से टैक्सेज हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको यूनाइटेड किंगडम को टैक्स देना पड़ता, फिर इंडियन डोमिनियन एंड फॉरेन टैक्सेज, जी हाँ ये सब टैक्सेज हैं जो उनको पेमेंट करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी को जब टैक्स पेमेंट करना पड़ता वो एक तरह से उनका एक लिवरेज, वो खर्च है जो उनको एक खर्च है, इसीलिए उसको यहाँ पे डेबिट साइड में यहाँ पे इनपुट करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग छठा नंबर में, अदर एक्सपेंडिचर टू बी स्पेसिफाइड। अदर एक्सपेंडिचर कोई ऐसा एक खर्च जो कि स्पेशल हो, कुछ स्पेशल हो, जी हाँ वो इंश्योरेंस कंपनी के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ये पीएल जो है शॉर्ट नाम हुआ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं PL अकाउंट, ओके। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट, अगर PL का कोई अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको जो ट्रांसफर किया गया है वो लॉस है, तो वो PL के लॉस को इसमें आप ट्रांसफर करते हैं। ये PL किसका, इंश्योरेंस कंपनी का, उसमें अगर कोई बैलेंस है तो वो इसमें हम ट्रांसफर करते हैं रिकवरी के लिए, ठीक ना, तो PL अकाउंट का बैलेंस इसमें आएगा। आठवां नंबर में है बैलेंस ऑफ, देखिए गौर से सुनिएगा, बैलेंस ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि एंड ऑफ द ईयर के में बैलेंस जो है शॉन इन द बैलेंस शीट रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, मतलब कि ऐसा रिस्क जो एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, मतलब कि अनएक्सपायर्ड है, वैसे रिस्क के लिए जो रिजर्व करके जो रखा गया इंश्योरेंस कंपनी के लिए बैलेंस, उसको भी हम इसमें ट्रांसफर करते हैं। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को बात पता है कि जो व्यक्ति पॉलिसी लेता है वो जो प्रीमियम चुकाता है, तो क्या पता उसका जो है कभी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस तरह से फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले ही अपना रिजर्व बना के रख लेती है, तो उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे हम डेबिट साइड में इनपुट करेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका प्रीमियम इनकम ऑफ द ईयर में आ जाता है कि ईयर में जो प्रीमियम जो इसमें दिया जाता है, प्रीमियम जो पेमेंट किया जाता है वो इसमें लिखा जाता है। उसके बाद आता है इसमें एडिशनल रिजर्व इफ एनी, अगर कोई यहाँ पे एडिशनल रिजर्व है तो वो भी यहाँ पे लिखा जाता है एडिशनल रिजर्व में, इफ एनी, इफ ये यदि कोई है तो यहीं पे हम टोटल अगर जोड़ करके सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आता है, टोटल यहाँ पे कर देंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें आ जाता है, अगर हम क्रेडिट साइड का यहाँ पे डिस्कस करें, क्रेडिट साइड में आपका जाता फाल आ जाता है इसमें इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, अगर यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को कोई इनकम आया है इंटरेस्ट के रूप में तो वो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए दूसरा हाथ इसमें आता है डिविडेंड, अगर इंश्योरेंस कंपनी को कोई यहाँ पे डिविडेंड आया, लाभांश आया है तो वो भी हम डिविडेंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है रेंट, अगर रेंट आया तो वो भी इसमें लिखेंगे, लेकिन इन सभी का अमाउंट को लिखने के उपरांत इसमें से हम कुछ लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे कि ये सब के अगेंस्ट में अगर इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ा है तो इनकम टैक्स के अमाउंट को यहाँ पे लेस करके जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा वो यहाँ पे क्रेडिट के अमाउंट साइड में यहाँ पे इनपुट किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कमाया है जहाँ पे निवेश किया है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, उससे ये हुआ है, इसमें का वो भी कैसा, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन करने के बाद, एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे निवेश जो किया है यहाँ पे किसी चीज़ को बढ़ाना, उसको मतलब कि सपोर्ट करना को बोलते हैं यहाँ पे एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर है तो उस पर अगर वो प्रॉफिट कमाया तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा। आप मोटा तौर पर आप जान लीजिए कि क्रेडिट साइड उनका पॉजिटिव है और डेबिट साइड उनका निगेटिव है। चलिए तो पॉजिटिव साइड में यहाँ पे क्या जाता है, नॉट क्रेडिटेड टू रिजर्व और एनी पार्टिकुलर फंड और अकाउंट, जी हाँ इसमें जो है ऐसा रिजर्व जो किसी भी मतलब कि पार्टिकुलर फंड में नहीं हो, नहीं जमा किया गया, वो इसमें लिखा जाएगा ऐसे प्रॉफिट को, ठीक। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम रेवेन्यू अकाउंट, ऐसे प्रॉफिट जिनको हमको रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, जब हम यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट को प्रिपरेशन करेंगे तो उनमें ऐसे प्रॉफिट होना चाहिए जिसको हम रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी प्रॉफिट होते हैं बहुत सारे, तो उनको भी हम यहाँ रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ट्रांसफर फीस, बहुत ऐसे ट्रांसफर फीस है जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रॉफिट होते हैं, तो उनको भी यहाँ पे ट्रांसफर फीस के लिए उनको जो हम यहाँ पे इनकम उनका तो क्रेडिट साइड में इनपुट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अदर इनकम टू बी स्पेसिफाइड, कुछ ऐसे भी अदर इनकम बहुत सारे हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में
इनपुट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बैलेंस बिंग द लॉस फॉर द ईयर्स कैरी टू द एप्रिसिएशन अकाउंट्स। कुछ ऐसे जो है बैलेंस होता है जो अप्रिशिएट करने में उनको करता है, तो वो वहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं। तो यहाँ भी हम टोटल जोड़ के यहाँ पे टोटल करते हैं, यहाँ पे यहाँ भी टोटल हो गया, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस कंपनी का फॉर्म नंबर F, उसमें रेवेन्यू अकाउंट का प्रिपरेशन हो गया। जैसा कि हमको ऐसा लगता है कि आपको जो है यहाँ पे छोटे छोटे ये दिखाई देते होंगे, जिसमें आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम होता होगा, स्पष्ट से हम क्या क्या लिखे हैं स्पष्ट रूप से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं, हम जिसमें इसका जो हम फोटो वीडियो के एंड में जो है अटैच कर देंगे, तो आप फोटो को भी देख सकते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे अपना वीडियो को बेहतर बेहतर क्वालिटी करेंगे और बेहतर से इसको बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।